इस वीडियो में मैं आप लोग को एक अपडेट देने वाला हूं जिसमें कि 8 फर्जी डिग्री वालों पर FIR दर्ज हुई है। तो डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि कौन ऐसे अभ्यर्थी है और कौन डिपार्टमेंट से है जो फर्जी डिग्री वालों पर FIR दर्ज हुई है। डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर से कर लीजिए जिससे कि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा अपडेट या नोटिफिकेशन PDF आता है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जिससे कि आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगी तो आप उसको मिस नहीं करोगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यही वो पेपर कटिंग नोटिस है जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं 8 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज हुई है, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। मैं सबको आप लोग को एक एक करके दिखाना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फर्जीवाड़ा 8 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज। इसमें लिखा है तकनीकी सहायक पद के लिए आमंत्रित किए गए आवेदन में 8 अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री पाई गई। पंचायती राज अधिकारी मोहम्मद शहादत हुसैन के बयान पर नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक पर नियोजन के लिए 25 जुलाई 2018 को ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। आवेदकों की शैक्षणिक प्रमाण पत्र की संबंधित विश्वविद्यालयों को जांच की जा रही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट है वो PRD डिपार्टमेंट में जो JEE अभी तकनीकी सहायक के पद पे जो हुआ है 2018 में ज्वाइनिंग, उसी सब कैंडिडेट का अभी फर्जीवाड़ा पकड़ाया है और उन लोगों पर अभी FIR दर्ज हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका फर्जी डिग्री से अगर आपका हो भी जाता है, चाहे BTSC में हो कि LRC में हो कि कहीं भी, अगर वो बाद में भी पकड़ाया जाता है आपका कि हाँ ये डिग्री आपका ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन होते रहता है, अगर BTSC पहले कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है बाद में अगर होता है तो ये तो ये डिपार्टमेंट है PRD लेकिन BTSC एक आयोग है उसके तरफ से होगा, तो BTSC उस पर पर्सनली कानूनी कार्रवाई करेगा। आप लोग देख सकते हैं ये और जो आगे इसमें लिखा है, इसमें लिखा है जांच की जा रही है। पंचायती राज विभाग मोहम्मद हुसैन ने आवेदन में कहा कि ऑनलाइन आवेदन के बाद काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग में जमा कराए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित शिक्षा संस्थानों से कराई गई, संस्थान ने सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया गया है। तो ये पंचायती राज विभाग जो PRD जो JEE है, संविदा के आधार पर नियोजन हुआ था 2018 में आवेदन हुआ था, उसके बाद इसका काउंसलिंग करके ज्वाइनिंग करवाया गया था जिसमें कि उसका फर्जी प्रमाण पत्र अभी पकड़ जाँच में लाया गया और वो डिग्री सबको अभी फर्जी प्रमाण पत्र घोषित किया गया है यूनिवर्सिटी के तरफ से और उसका जो यूनिवर्सिटी और कौन कौन लोग है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक नंबर में दिखा देता हूँ, ये सिवान जिला के हैं और इसका जो यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ के कलिंगा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद 2 नंबर में जो है यह है, आप लोग देख सकते हैं ये सिवान जिला के ही हैं और इसका भी कलिंगा यूनिवर्सिटी से हैं। 3 नंबर में देख सकते हैं ये जो है इसका जो जिला है वो सिवान है और ये भी कलिंगा यूनिवर्सिटी से हैं। उसके बाद जो 4 नंबर में ये है सिवान जिला के और इसका भी कलिंगा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा की डिग्री फर्जी है। 5 नंबर में जो है इसका जो जिला है वो मधेपुरा है और इसका जो यूनिवर्सिटी है OPJS यूनिवर्सिटी राजस्थान का है। उसके बाद 6 नंबर में जो है ये जो इसका जो जिला है मधेपुरा है और इसका भी OPJS यूनिवर्सिटी है राजस्थान से डिप्लोमा की डिग्री फर्जी जाली प्राप्त की गई है। उसके बाद 7 नंबर में जो है इसका जो जिला है उसका जिला आप लोगों यहाँ पर पूर्वी चंपारण है और इसका जो यूनिवर्सिटी है वो है संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर। उसके बाद 8 नंबर में है इसका जो जिला है वो पूर्वी चंपारण है और इसका जो यूनिवर्सिटी है श्रीधर विश्वविद्यालय पिलानी राजस्थान के डिप्लोमा की डिग्री फर्जी प्राप्त की गई है। तो ये सारे जो यूनिवर्सिटी हैं ये सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं लेकिन इनसे जो डिग्री बनवाई गई है ये फर्जी था इन लोगों का और ये आप लोग देख सकते हैं इन लोगों का जब ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन हुआ तो इतने सालों बाद 3 साल बाद भी जो अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं कितने को सैलरी मिली होगी और सबके अभी डिग्री जाली पकड़ाई गई है फर्जी पकड़ाया गया है। अब जितने भी लोग अभी तक में ज्वाइनिंग किए हैं पैसा लिए हैं सब पे ये जो फर्जीवाड़े के आरोप में सबसे पहले तो विभाग इस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। उसके बाद जितने ये अभी तक में जॉब किए हैं जितने इसको सैलरी मिली है सबका वापस किया जाएगा, सबका इसको भुगतान करना होगा विभाग को, जितना विभाग इसको दिया है पैसा शुरू से ही सबका वापस किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई उसके बाद FIR जेल अलग होगी। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी जो BTSC आपको रिमार्क्स दिया है या कुछ भी किया है तो आप लोग अभी अगर चाहते हो तो आप लोग अभी बच सकते हो, उसको आप लोग क्लेम नहीं कीजिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर
आप लोग क्लेम करते हो, रिमार्क्स कुछ दिया है, फिर भी आप लोग ज्वाइनिंग और करते हो, तो जब भी आपका ये पकड़ में आएगा उसके बाद से आप लोगों को ये भुगतना पड़ेगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। आप लोग अच्छे तरीके से रहिए, अच्छे लोगों का, जितने भी लोग अभी 2019 को हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उतना अगर आप लोग फर्जी डिग्री वालों को हटाने के चक्कर में लगे रहते तो अभी फर्जी डिग्री वाला बहुत सारा बाहर होता और कटअप भी कम होता। तो आप लोग सही तरीके से काम कीजिए, एकता बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और जो भी अपडेट आएगी BTSC जैसी या जो भी JEE से रिलेटेड, वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।